कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ कि ये सब क्या हो रहा है। कहीं ये सब चीजें मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद ना कर दे। नहीं शमी, कुछ बर्बाद नहीं होगा। तुम देखना हमारा शोरू सब ठीक कर देगा। माँ तुमको तो कुछ ज्यादा ही भरोसा अपने शोरू पे। शमी ये जो बाती दिख रहा है ना, ये है एकदम बच्चे की तरह। इससे घी डालने से ये और अच्छे से जलता है। ऐसे ही तुम हमारा शोरू पर परवरिश का घी डाला, बहुत अच्छा संस्कार दिया है तुमने उसको। ऐसे ना हमार शोरूर ऊपर थेके तुम्हारा ऊपर बेसी भरसा है। तुम देखेगा शोरू कभी गलत नहीं करेगा, कभी नहीं, बल्कि गलत को सही रास्ता में ले जाएगा। काश हमारे रागिनी का साथ भी ऐसा ही हुआ होता तो। लेकिन वो मारवाड़ ने देखो बचपन से उसका ऊपर परवरिश का घी नहीं और डर का पानी डाल दिया। काश मारवाड़ ने उसके सही गलत का पहचान सिखा होता तो। पर तू मत सोच शमी, इस बार ना शोरू का साथ उसका प्यार का ताकत है, वो जीतेगा ही जीतेगा। कि माँ क्या बोल रही हो तुम ये सब? क्यों तू देखा नहीं वो कैसे लक्स का साथ दे रहा है? माँ वो तो इसीलिए क्योंकि तुम जानती हो शोना सही का हमेशा साथ देती है। हाँ वो तो देती है, लेकिन इस टाइम में वो प्यार का साथ दे रहा है। शोमी ये बाती जब जल रहा है ना उसका गर्मी पिया को भी महसूस होता है। इसका जितना दर्द है उसका भी उतना ही दर्द होता है। मैं तो लक्स का दर्द शोरू का आंखों में देखा। क्या बोलेगा इसको प्यार नहीं तो? अरे वाह, इतने साल से पहली बार वो शोरू का बारे में तुझसे पहले मुझे पता चल गया। आज तुम हार गया। माँ अगर ये सच है तो ये तो बहुत गलत है। स्वरा अच्छे से जानती है कि रागिनी लक्ष्य से कितना प्यार करती है। वो दोनों मेरी बेटियां हैं माँ, और मैं उन दोनों को ऐसे एक दूसरे को दुख नहीं देने दे सकती। लेकिन शोमी लक्ष्य तो रागिनी से प्यार नहीं करता है ना, तो बोलो इस हालत में रागिनी कैसे खुश रहेगा उसका साथ? शोमी 20 साल पहले हमें गलती किया था, पर आज हमें पता चल गया कि दोनों प्यार करने वालों को एक साथ ही रहना होगा। शोमी ये गलती तुम मत करना। इस नंबर पे कॉल करके देखते हैं। गंदा, छोड़ो मुझे, छोड़ो। संस्कार रुको,
काला भूत मेरे पीछे। अरे कोई भूत नहीं है, कुछ नहीं है, शांत हो जाओ, कुछ नहीं है। देखो पकड़ रहा, काला भूत। संस्कार, वो काला भूत सब जगह। संस्कार, काला भूत है। फोन कहीं घर पे कहीं बज रहा है। लगता है किचन से आवाज आ रही है। मैं देख के आती हूँ। फोन दुर्गा प्रसाद जी, अब तो ये साबित हो गया कि ये सब आपके बेटे ने ही किया है। नहीं पापा, ये मेरा फोन नहीं है। जानते हैं लक्ष्य, ये तुम्हारा फोन हो ही नहीं सकता। सर, आप ही सोचिए ना, अगर ये लक्ष्य का फोन होता तो इसे ऐसे किचन में नहीं छोड़ता, कब का फेंक चुका होता। You're right, Miss Swara. इस केस पे यही हो रहा है, हर चीज बड़ी आसानी से मिल रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई जानबूझकर उसे छोड़ा है। दुर्गा प्रसाद जी, कोई अपने आप को फंसाने के लिए इतनी आसानी से सबूत क्यों छोड़ेगा? पर अगर ये फोन लक्ष्य का नहीं है तो फिर किसका हो सकता है? कल रात घर में कोई घुसा था, शायद कोई चोर या संस्कार।
बेटा एक बात बताओ, कल रात तुमने किसी को देखा था क्या? जी जी, आप संस्कार से क्यों पूछ रही हैं? उसे क्या पता, उसका क्या लेना देना इन सबसे? तुम मुझे गलत समझ रही हो सुजाता, मैं तो इसलिए पूछ रही थी क्योंकि कल रात तुम और संस्कार किचन में गए थे, तो मुझे लगा शायद किसी को देखा होगा। बता ना संस्कार, तूने किसी को देखा था बेटा? संस्कार बताओ ना। वो काला भूत सब जगह। संस्कार भाई शांत हो जा। माँ आप भाई से क्यों पूछ रही हैं? देखो ना वो कितने परेशान हो रहे हैं। चाची आप भाई को ऊपर ले जाइए। तू एकदम सही कह रहा है लक्स। संस्कार तू परेशान ना हो, चल अपने कमरे में चल। संस्कार काला भूत है, काला भूत, मैं काला भूत, छोड़ दुर्गा प्रसाद जी, ये फोन हम लेकर जा रहे हैं, अच्छे से जांच करते हैं, शायद कोई सबूत मिल जाए। कोई भी जानकारी मिलती है तो मैं आपको खबर करता हूं। चले दुर्गा प्रसाद जी, हम माफी चाहते हैं कि हमने आप पे शक किया। अब जब सच्चाई का पता लग चुका है तो आपको अपने पद से इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं। और हम लोग प्रार्थना करेंगे कि जल्दी सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। हम लोग चलते हैं। स्वरा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम सही वक्त पे नहीं आती तो समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाती। आंटी डोंट वरी, मैं अंकल की इज्जत और उनके मान सम्मान पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी। चले रागिनी। आंटी डोंट वरी, मैं अंकल की इज्जत और उनके मान सम्मान पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी। आज तुम्हारा दिन था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा स्वरा। तुमने मुझे बुलाया क्या? नहीं तो? मुझे लगा कि किसी ने मुझे आवाज दी।
नहीं स्वरा, मैंने तुम्हें आवाज तो नहीं दी, पर मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो। स्वरा, 48 घंटे के बाद चाहे जो भी हो, हम हारे या हम नहीं हारेंगे लक्ष्य, हम डेफिनेटली जीतेंगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा। इस भरोसे के लिए थैंक यू सो मच। स्वरा, अगर मुझे अब जेल भी जाना पड़े तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारे विश्वास के सहारे मैं अपनी सजा आराम से काटूंगा। लक्ष्य, इतनी सीरियस सिचुएशन में भी तुम्हें मजाक सोच रहा है? अगर मुझे मजाक करना होता तो मैं कहता कि एक बार एक हाथ में चीटी जिम जा रहे थे, फिर आती ने पीटी से कहा कि ओ सॉरी, मैं आगे का भूल गया। इस प्यारी सी स्माइल के लिए थैंक यू सर। स्वरा चली। बाय अगेन। बाय। अच्छे से छानबीन करेगी, अगर किसी को कुछ पता। नहीं मॉम, वो मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वो फोन जाली नाम पर है और उसमें मेरी कोई डिटेल्स भी नहीं है। ये संस्कार, हमारे को समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ एकदम सही चल रहा था, फिर अचानक से ये हो के गया। सुहा तो लग से नफरत करती थी ना मॉम। शायद उस स्वरा को लक्ष्य से प्यार हो गया है। क्या बोल रहा है तू? स्वरा को प्यार हो गया लक्ष्य से? तभी तो वो इतनी कॉन्फिडेंट हो गई है। वो अपने प्यार को बचाने में लगी है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, और चाहे वो जितने भी कोशिश कर ले, मेरा सच कभी सामने नहीं ला सकती। क्या कह रही हो स्वरा? हार आगे नहीं, मुझे संस्कार पर बहुत बड़ा वाला डाउट हो रहा है। हम समवेयर वेरी श्योर कि वो पागल नहीं है, वो बस एक्टिंग कर रहा है। नहीं स्वरा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हमने उन्हें देखा है, वो नाटक नहीं कर रहे। रागिनी जरा सोचो, जब वो पहली बार आया था तो तुम्हारे बिना एक सेकंड तक नहीं रह सकता था। हमेशा तुम्हारे बारे में पूछता रहता था, तुम्हारा दुपट्टा पकड़ के वो पूरे घर में घूमता रहता था, यहाँ तक कि इसने तुम्हारे लिए अपना हाथ भी काट दिया था। आज जब हम दोनों वहां पर गए तो तुमसे बात तो क्या, तुम्हारी तरफ उसे ठीक से देखा भी नहीं। शाकिनी, मुझे उसका बिहेवियर बहुत वियर्ड लगा, और इतना ड्रास्टिक चेंज, कुछ ज्यादा ही और नहीं है क्या? मतलब पहले वो बहुत नॉर्मल था, पर जैसे ही इंस्पेक्टर कॉल करने लगा उसने अपने टैंड्रम थ्रो करना शुरू कर दिया। जैसे वो इंस्पेक्टर को कॉल करने से रोकना चाहता हो। और लास्ट में जब सुजाता आंटी उसे ऊपर कमरे में लेकर जाने के लिए गई तो उसने अपना हाथ झटक दिया और बहुत नॉर्मली वो अपने आप चला गया। शागिनी, क्या हाथ चल गया? नहीं, हम ठीक है। तुम क्या कह रही थी?
रागिनी, मुझे संस्कार की सच्चाई पता करनी होगी। उसके इस पागलपन के पीछे कुछ तो जरूर है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग हो रही है कि उस फोन का महेश्वरी हाउस में मिलना और संस्कार का ये वियर्ड बिहेवियर, दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। और संस्कार के इस पागलपन के पीछे कहीं ना कहीं लक्ष्य की जिंदगी भी जुड़ी हुई है। रागिनी, मुझे संस्कार और लक्ष्य की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। तुम मेरा साथ दोगी ना? रागिनी, प्लीज मुझसे वादा कर कि हर टाइम की तरह इस बार भी तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज। Updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.